करते हैं। पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ये समझ में आना चाहिए, या तो कीटो कन्वर्ट होगा इनॉल में या इनॉल कन्वर्ट होगा कीटो में, क्योंकि इसने हम पढ़ ही रहे हैं क्या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो यानी या तो कीटो होना चाहिए तभी वो इनॉल कन्वर्ट हो पाएगा, या इनॉल होना चाहिए तभी हम उसे कीटो में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कौन सा ऐसा है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे एथेनल। एथेनल क्या होता भैया? अभी अभी किया यार, एथेनल यही तो होता है एथेनल। तो एथेनल क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, इसका टॉटोमेरिज्म करा देंगे तो आसानी से हमें कंपाउंड मिल जाएगा। पहला ऑप्शन ये देख लिया हम लोगों ने। अगर हम लोग सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला ऑप्शन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दूसरे में देखते हैं प्रोपेनल। अरे प्रोपेनल क्या होता है? प्रोपेनल, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, अल मतलब एल्डिहाइड। प्रोपेनल में भी क्या है बात पॉसिबल है? आप उस प्रोसेस से क्या गुजरेंगे कि ऐसे रिमूव कर रहे हैं, रेजोनेंस करा रहे हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहे हैं? अरे नहीं, अब हम लोगों ने जुगाड़ सीख लिया है और उसी जुगाड़ की हेल्प से हम लोग काम करेंगे। कार्बोनिल है, उसके रिस्पेक्ट में अल्फा है, तो यहाँ से एक यहाँ ऑक्सीजन की खुपड़िया पे और उसका डबल बॉन्ड कार्बन के साथ CH3CH डबल बॉन्ड COH, आप जैसा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं आराम से, इसका भी पॉसिबल है। तीसरा ऑप्शन प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या होता है? ओन मतलब कीटोन। प्रोपेनोन भैया तुरंत याद आना चाहिए एसीटोन। एसीटोन का ही तो नाम प्रोपेनोन है। बोल रहे क्या सर, ये बात तो आपने पहले बताई नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। प्रोपेनोन एसीटोन, एसीटोन का यूपीएससी नेम होता है प्रोपेनोन, एसीटोन तो कॉमन नेम है। क्या इसका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दोनों तरफ भैया अल्फा हाइड्रोजन है, किसी भी अल्फा हाइड्रोजन के साथ आप जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स, क्योंकि दोनों के साथ जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। कोई कोई कहता सर हमने तो एथेनल चेक कर लिया, प्रोपेनल चेक कर दिया, प्रोपेनोन चेक कर दिया, अरे तीनों नहीं हुए और आंसर तो एक होना पड़ेगा, तो क्या चौथा वाला अपने आप हो जाएगा? हाँ सर ये तो हो ही जाएगा। अगर ये अपने आप हो जाएगा तो जरा चेक कर लेते हैं कि हो रहा एक्चुअली में कि नहीं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, अरे ये ऑल है भैया। ऑल का मतलब क्या? ये तो कोई एल्कोहल है। अरे एल्कोहल है क्या? केवल और केवल एल्कोहल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं? ऐसा नहीं है। तो भैया ये इनोलाइजेशन इसका नहीं होगा, इसका इनोलाइजेशन नहीं होगा। ध्यान रखेंगे कि एल्कोहल जो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं शो करता, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो कुछ अगले एग्जांपल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं किस तरह से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। तो एक जनरल क्वेश्चन इस तरह से लिखते हैं, ये हमने आपको चार दे दिए हैं, इन चारों कंपाउंड का इनोलाइजेशन कराना, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे चारों के चारों क्या हैं, कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कार्बोनिल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन कार्बोनिल फॉर्म के एग्जिस्टेंस को ये बताना है कि इसमें कौन सा इनॉल फॉर्म किस तरह से प्रिपेयर होगा और कौन सा इनॉल फॉर्म प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। चेक कर सकते हैं, बहुत तेज़ से कर सकते हैं। अब यार हमारे पास वही ट्रिक है, उसी की हेल्प से करेंगे। ये कार्बोनिल है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास 2H है, इस अल्फा कार्बन के पास भी 2H है, तो आप दोनों अल्फा कार्बन क्योंकि सेम है तो किसी भी एक अल्फा कार्बन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके हाइड्रोजन को यहाँ पे H भेज देंगे, डबल बॉन्ड यहाँ ले आएंगे और उसके साथ प्रोडक्ट आप डायरेक्ट इनॉल बना लें, बन गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन ये है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इसके साथ जो एच है वो एच उस कार्बोनिल के पास पहुँच जाएगा। अगर ये कार्बोनिल के साथ पहुँच गया तो इसका इनॉल कुछ इस तरह से आएगा। इसमें अगर आप देखें तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये भी, अल्फा कार्बन ये भी, लेकिन अभी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि ये अल्फा कार्बन बेंजीन का है और बेंजीन के पास हो भी या ना भी हो तब भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अनसेचुरेटेड है, फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है, तो इसी अल्फा कार्बन को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और इसी अल्फा कार्बन के पास जो एच है उसी एच को ऑक्सीजन के पास भेजना और डबल बॉन्ड को उसी के साथ शिफ्ट कर देना, तो आपको इस तरह का इसका इनॉल्व प्रिपेयर होता नजर आएगा। इसके बारे में अगर देखें तो ये कार्बोनिल है, इसके कार्बन के स्पेक्ट्रम में देखें तो राइट साइड में इसके कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो उसके अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं करेंगे। लेफ्ट के बारे में अगर आए तो उसके पास तो अल्फा कार्बन है, लेकिन क्या उस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, उस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
इस वजह से क्या होगा, इनोलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर किसी ने पूछा, सर क्या एक ही कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, क्या हर कंपाउंड में एक ही कार्बोनिल कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा कार्बोनिल कंपाउंड भी कंटेन कर सकता है, एक से ज़्यादा बार इनोलाइजेशन भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो हमने कहा भैया इनोलाइजेशन कर दो, बिल्कुल पुराने तरीके से कर दो, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ही है, अल्फा कार्बन ही, इसके पास कोई एच नहीं, इसके पास गए तो इसके पास अगर आप जाते हैं तो इसके पास ये वाला एच यहाँ ले आते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ ले आते हैं, तो फिर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, फिर किसी ने कहा सर एक बार तो और भी हो सकता है, क्योंकि इस वाले कीटोन का इनॉल तो बना दिया लेकिन इसका तो आपने बनाया ही नहीं। तो किसी ने कहा कि सर हम थोड़ा सा और आगे बनाना चाहते हैं, इसके साथ जो यहाँ पे एच है, इसके साथ जो यहाँ पे एच है उसको मैं यहाँ भेजना चाहता हूँ, पाई बांड को यहाँ भेजना चाहता हूँ, मतलब फिर से हम इनोलाइजेशन करना चाहते हैं। तो हमने कहा करो, इनोलाइजेशन उसने किया तो ये कंपाउंड आया। अब क्वेश्चन ये है कि भैया इस इनोलाइजेशन के करस्पॉन्डिंग जो दो प्रोडक्ट बने, एक तो प्रोडक्ट एक ही बार इनोलाइजेशन से बन गया, एक दो बार किया कंप्लीट इनोलाइजेशन किया ये बन गया, अब इन दोनों में आंसर कौन होगा? अगर आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द मेजर इनॉल फॉर्म ऑफ दिस, तो इन दोनों में इनॉल फॉर्म मेजर किसका होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला इनॉल फॉर्म मेजर होगा, ये वाला इनॉल फॉर्म मेजर होगा, मतलब मेजर का सेंस होता है मैक्सिमम परसेंटेज इसका आएगा, मैक्सिमम परसेंटेज आता है तो आगे का इनोलाइजेशन हम लोग नहीं कराते। ध्यान दीजिएगा, जहां पे इनोलाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाए उसके आगे हम लोग इनोलाइजेशन नहीं कराते। तो ये वाला इनोलाइजेशन नहीं कराएंगे, ये वाला मिनिमम परसेंटेज आएगा जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये माइनर होगा। अच्छा, ये मैक्सिमम क्यों आया? मैक्सिमम इसलिए आया भैया कि अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो एक बार जब ये इनोलाइजेशन कर लेता है तो उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, स्टेबलाइज कर देता है सिस्टम को। अगर ये सिस्टम को स्टेबलाइज कर दिया तो आगे से ये इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब एक से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड दिए गए तो इनोलाइजेशन वहीं रुक जाएगा जहां पे स्टेबिलिटी अचीव हो गई। क्यों? क्योंकि हम यार ये कर ही रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, हम ये कर ही रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग और एग्जाम्पल के बारे में बात करें, सवाल ये है कि इसका इनोलाइजेशन होगा कि नहीं, अगर इनोलाइजेशन होगा तो वो कितना स्टेबल होगा। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे sp3 ये अल्फा कार्बन है, उसके साथ यहाँ पे ये एच यहाँ पहुँचेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये करते हुए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नजर आएगा, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब पूछा गया कि भैया इन दोनों में इक्विलिब्रियम किधर ज्यादा शिफ्ट होगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसे तो आप बोल रहे हैं सर ये कीटो है, इसे बोल रहे हैं ये इनॉल है। फिर मैंने कहा भैया ये इनॉल है इसीलिए तो ये फिनॉल है, फिनॉल है कि नहीं है भैया, बेंजीन के साथ OH है इसीलिए फिनॉल है। अरे भैया ये इतना ज्यादा स्टेबल है, इतना ज्यादा स्टेबल है, इसे हम बोल सकते हैं मैक्सिमम परसेंट ऑफ इनॉल, अगर ये बोले तो कुछ 98% से ज्यादा ये परसेंटेज आएगा, और ये कुछ 2% आएगा, मतलब ये मिनिमम परसेंटेज आएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा किसमें शिफ्ट हो जाएगी, आगे, मतलब ये बैकवर्ड साइड में ये प्रोसीड करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपसे कोई बोलेगा ये फिनॉल का इनोलाइजेशन कराइए, कीटो बनाइए, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज होता है दुनिया में हर कोई स्टेबलाइज करना चाहता है, और ये स्टेबलाइज करके फिनॉल बन चुका है, मैक्सिमम स्टेबल परसेंटेज ऑफ दिस ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर अचीव करने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, जितने ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमेशा स्टेबिलिटी की बात होगी, हर रिएक्शन में स्टेबिलिटी की बात होगी। तो यहाँ पे भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। यानी एक नोट हमें लिखना होगा यहाँ पे, इफ इनॉल फॉर्म कम आउट टू बी स्टेबल देन इनोलाइजेशन इज स्टॉप्ड।
विल बी डोमिनेटिंग। बोला गया है कि जब इनोलाइजेशन करेंगे, जिस इनोलाइजेशन फॉर्म में स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी वहीं पे हम इनोलाइजेशन को रोक देंगे। जैसे अगर हम मैं एक क्वेश्चन लिखूँ, फाइव साइक्लो हेक्स 1.3.5 ट्राइओन एग्जिस्ट प्री डोमिनेट इन इट्स इनोल फॉर्म, ये क्या मतलब है? अब पहले इसको देखते हैं। अब साइक्लो हेक्स 6 कार्बन की रिंग और इसमें 3 कीटोन लगे हैं, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। साइक्लो हेक्स 1.3.5 ट्राइओन क्यों अपने इनॉल फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि अब जरा आराम से आप इसको देखिए, इनोलाइजेशन करने के लिए इसके सिचुएशन से आप एच यहाँ भेज दीजिए। अगर आप एच यहाँ भेजते हैं तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे अचीव हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे अचीव हो जाएगा। आगे इसका इनोलाइजेशन करेंगे क्यों? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि आगे चल के ये एरोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक बार इसका इनोलाइजेशन और करेंगे, इस एच को यहाँ भेजेंगे, इस पाई बॉन्ड को यहाँ भेजेंगे, तो कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी ये इनोलाइजेशन आगे बढ़ता रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी एक अल्फा यहाँ पे और है, सारे के सारे अल्फा एच से हमें एच रिमूव करके एरोमेटिसिटी अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ये एच यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पहुँचेगा, तो आप देखें यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, ये आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अब देखिए, यही तो बोला गया है कि वाई साइक्लोहेक्स 1.3.5 ट्राइओन एग्जिस्ट प्री डोमिनेट इन इट्स इनॉल फॉर्म, यही तो उसका इनॉल फॉर्म है। इस इनॉल फॉर्म में ये क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिख लेंगे। क्या रीजन लिख लेंगे? रीजन ये लिख लेंगे, इनॉल फॉर्म इज हाईली स्टेबल ड्यू टू अचीव देयर एरोमेटिक नेचर। ओके, टाटोमेरिजम में कीटो इनॉल टाटोमेरिजम को हम लोगों ने देखा कि इनोलाइजेशन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा जहाँ पे वो स्टेबिलिटी मैक्सिमम अचीव कर लेगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने इस तरह से है, टाटोमेरिजम आपसे बोला जाए करने के लिए। तो अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि दो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे हैं और दो कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस बात को कि OH का सेंस होता है बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो एच निकलना सुपीरियर होगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा। और अगर आप यहाँ पे इस एच पे नज़र डालें तो ये हाईली एसिडिक है क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज दोनों पार्ट में रेजोनेंस करेगा। मतलब इस अल्फा को हम कंसीडर करेंगे, इस अल्फा को कंसीडर करने के लिए अगर और कार्बोनिल आप चाहे इसको कंसीडर करें चाहे इसको कंसीडर करें, क्योंकि समझ में आ रहा है कि इसके अबाउट ये भी सेम है, इसके अबाउट ये भी सेम है, तो किसी एक को आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस तरह से, अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से इसका इनॉल फॉर्म आएगा और ये इनॉल फॉर्म मतलब मैक्सिमम स्टेबल होगा। इसका कारण सीधा है कि अगर इसी को थोड़ा सा आप चेंज करके देखें तो एक नया स्ट्रक्चर मिलता जुलता आपको समझ में आएगा कुछ इस तरह से। इसी स्ट्रक्चर को देखिए, CH3 यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, डबल बॉन्ड O यहाँ पे और उसी के साथ CH डबल बॉन्ड, फिर ये C, इसी के साथ ऑक्सीजन और उसी के साथ हाइड्रोजन। इसे पहचान पा रहे हैं आप, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डबल सिंगल विथ लोन पेयर, ये पूरा का पूरा सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम स्टेबल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अब फिर से कोई कहे सर आपने एक का तो इनोलाइजेशन करा दिया, क्या दूसरे का भी करा देंगे? फिर से वही बात, मैंने बोला था कि जब इनोलाइजेशन स्टेबलाइज कर जाए तो उसके आगे इनोलाइजेशन नहीं करेंगे, उसी पे वो इनोलाइजेशन रोक देंगे। तो दिस इज द एग्जांपल। अब अगर हम लोग इसी से मिलता जुलता कुछ और करने एग्जांपल्स करने का प्रयास करें, आपके पास ये कंपाउंड दिया गया,
अब ये कंपाउंड अगर आपको दिया गया, बोला जाए इसका एनालाइजेशन करिए, तो इसका एनालाइजेशन करना आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है सर, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा तो ब्लॉक है क्योंकि अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये वाला अल्फा कार्बन बिल्कुल फ्री है। तो वही जो ट्रिक हम लोगों ने सीखा था, उसी ट्रिक के हेल्प से हम इसका इनॉल प्रिपेयर कर देंगे, इसका इनॉल फॉर्म बना देंगे इस कुछ इस तरह से। अब एक क्वेश्चन आपके सामने कभी कभी पूछा जाता है, आपको चार कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड में कीटो इनॉल टॉटोमेरिजम पॉसिबल नहीं है। आसान सा काम है, अभी तक हम वही करते आए हैं कि आपको बस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन देखना है, जिसके पास है वो पॉसिबल है, क्या इसके लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत है? नहीं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही स्टेबल इनॉल बनाता है, क्यों? क्योंकि ये फिनॉल बनाता है, बहुत ही स्टेबल इनॉल बनाता है, और ये स्टेबल इनॉल होने की वजह से ये आसानी से इनॉलाइजेशन कर जाएगा, यानी ये बात तो श्योर हो रहा है कि भैया पहला इनॉल बनाएगा। जब पहला इनॉल बनाएगा तो जहाँ जहाँ पहला है वो ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, दूसरे पे आते हैं इसके रिस्पेक्ट में ये भैया नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड है। इसके पास जरा देखो एक अल्फा एच है तो ये भी इनॉलाइजेशन करेगा, तो मतलब जहाँ दूसरा है वो नहीं होगा, जहाँ दूसरा है वो नहीं होगा। भैया आप तो चेक करते रहिए, यहाँ पे भी दूसरा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी दूसरा है तो ये भी नहीं होगा, अरे तीन ऑप्शन हट गए, चौथा ऑप्शन अपने आप हो गया, क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखें, इसमें कहीं पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें आप देखें तो इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये दोनों कंपाउंड इनोलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर इनोलाइजेशन नहीं करेंगे तो इस दोनों कंपाउंड में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं होगा। अब कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, इसका क्या सेंस है, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट का क्या सेंस है? क्या इसका ये सेंस है कि ज़्यादा बार इनोलाइजेशन होगा? क्या इसका ये सेंस है कि ज़्यादा इनोलाइजेशन किस में होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट का मतलब है परसेंटेज ऑफ इनॉल किस में ज़्यादा आएगा। जरा देखिए क्या इसका इनॉल पॉसिबल है? हाँ, इसका इनॉल पॉसिबल है। अच्छा, अब इसका इनॉल पॉसिबल है, जरा इसका इनॉल बनाइए। अच्छा, इसका इनॉल बना रहे हैं तो फिर से इसके रिस्पेक्ट में अल्फा ये है, तो आराम से ये यहाँ दिया, डबल वाहन यहाँ लाया, तो इसका इनॉल आराम से बना लिया बेचारा। अरे ये इनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं कर रहा, अगर एक बार और हम लोग इनॉलाइजेशन करें कि हो सकता है कुछ और हो जाए, तो अगर एक बार इनॉलाइजेशन किया, यहाँ से एच हम लोगों ने यहाँ पे लाया, पाई बाण यहाँ शिफ्ट किया, डबल बाण यहाँ ओ एच यहाँ, अभी भी इनॉलाइजेशन किया, ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया, ना ही एरोमेटिसिटी आई, तो ठीक है इनोलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन जो ये टर्म्स है मैक्सिमम इनॉल कंटेंट अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसके पास पहुंच रहे, अरे इसमें देख पा रहे हैं तो कहीं से अल्फा एच ही नहीं है, अगर इसके पास कोई अल्फा एच नहीं पिया तो इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, अगर इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। इसके पास आइए, अरे इसको तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, अगर हम यहाँ पे बनाएं और देखें कहाँ देखा देखा सा लग रहा है, जरा देखिए इसको, ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में एच यहाँ, इसके रिस्पेक्ट में एच यहाँ, ये पाई बांड यहाँ, ये एच यहाँ, तो आराम से आपका इनॉल आ रहा है, और आपका इनॉल नहीं आ रहा है, कमाल हो गया ये तो, अरे कमाल हो गया क्या, ये इनॉल है, क्योंकि यही भैया फिनॉल है, और हमने आपको बताया था कि फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसकी एरोमेटिसिटी अचीव होने की वजह से इसका परसेंटेज मैक्सिमम आता है, 98-99% इसका आता है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टेबिलिटी के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, तो भैया अभी तक ये सबसे ज़्यादा इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्यों? इस पर नज़र डालो, इस पर अगर आप नज़र डालें तो देखेंगे इसके पास तो भैया अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, भैया इसका इनोलाइजेशन ही नहीं होगा। दो ऐसे कंपाउंड हमारे पास दिए गए थे जिसका इनोलाइजेशन ही नहीं हो रहा था, एक हाँ और अगला था, ये दोनों में कंपैरिजन करना था, ए एंड सी हमें कंपेयर करना था, ए का इनोलाइजेशन तो हो रहा था लेकिन उसके अमाउंट परसेंटेज ऑफ इनॉल उतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, सी। अब लोगों के सवाल, दिमाग में सवाल चलता रहता है कि सर कब कब इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, कब कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, इस तरह से दिमाग में चलता रहता है लोगों को। एक बात ध्यान दीजिए, हर परिस्थिति में कीटोन
जो है कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है एक्सेप्ट टू सर्कमस्टेंसेस, जब इनॉल एरोमेटिक हो जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर इनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है उस सिचुएशन में ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस बात को एक नोट के थ्रू मेंशन कर लेंगे, ये बात ध्यान रखना है आपको कि कीटो फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म एक्सेप्ट, दो बातों को छोड़ के, पहले व्हेन इनॉल अचीव देयर एरोमेटिसिटी, जब कोई इनॉल अपने एरोमेटिक सिचुएशन में हो जाएगा तो वो इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा कीटो से, और दूसरी बात जब इनॉल कम आउट टू बी स्टेबल हो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब इनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी इनोलाइज्ड, पहला ऑप्शन, कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाए, जरा देखिए इस क्वेश्चन को, पूछ रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल कैन कंपाउंड कैन नॉट बी इनोलाइज, मतलब किसका इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में आ सकता है और मैक्सिमम लोगों से गलती करवा सकता है जिनको अच्छे लेवल की जानकारी नहीं है। जैसे क्या, अब जैसे लोगों के दिमाग में आ रहा था कि इनोलाइजेशन पॉसिबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनोलाइज्ड, ये पूछ रहा है कैन नॉट बी इनोलाइज्ड, फिर तुरंत दिमाग में आता है भैया तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिजम के बेस क्वेश्चन है, तो कमाल हो गया, हमसे हो ही जाएगा पक्का, देखा इसको, इसको देखा, अरे सर ये तो बहुत आसान सा है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये तो हो जाएगा, देखा सर ये क्या हो गया, इसके बगल में नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके बगल में नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब तो ये भी नहीं हो पाएगा सर, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन तो हो जाएगा सर, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा सर, यही होगा जो नहीं होगा। और मैक्सिमम बच्चों ने कॉन्फिडेंटली ये क्वेश्चन करके आ जाना होता है एग्जाम में, और मैं बता रहा हूँ भाई साहब गलत है, सही आंसर कौन सा है, ए। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को चिंता होने लगी होगी, सर जो कुछ पढ़ाए मतलब सब गलत हो गया, आपने तो अभी बताया कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो भैया स्टेबल हो, मतलब वो इनोलाइजेशन हो जाता है। पूरी बात सुनो, इनोलाइजेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए, और जब कोई स्टेबल नहीं होकर अनस्टेबल होने लगेगा इनोलाइजेशन नहीं होगा। अब देखते हैं पहले वाले ऑप्शन के साथ क्या समस्या है, पहले वाले ऑप्शन को हमने देखा और जैसा कि लोगों के दिमाग में चल रहा था कि सर यहाँ पे तो इनोलाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, इस एच को यहाँ पहुँचाया, इस एच को यहाँ डपाई बांड को यहाँ लाया और बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर हमको बनके मिल गया, लेकिन स्ट्रक्चर तो प्यारा बनके मिल गया, क्या स्टेबिलिटी के बारे में आप भूल जाएंगे, स्टेबिलिटी का ध्यान नहीं रखेंगे। स्टेबिलिटी देखिए, अब आपको यहाँ पे अच्छी जानकारी की जरूरत पड़ेगी, इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो ये कंपाउंड भैया नॉन एरोमेटिक है। अब कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, सर ये नॉन एरोमेटिक क्या है, और इस कंपाउंड को अगर देखें भैया तो ये एंटी एरोमेटिक है, और आप पढ़े होंगे या आगे आप पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर आप पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद भैया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक, ध्यान रखना होता है ये ऑर्डर। ठीक है, अगर नहीं पता है तो जब मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इस बात का जिक्र करूँगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ये अच्छे को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये जे एडवांस में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा, जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा और भी ऑप्शन उसके पास होंगे, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अभी तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे आईआईटी ने पिछले 42 सालों में, 40 सालों में, आप पेपर उठा के देख सकते हैं, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिजिबल है और आएगा एग्जाम में, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि सर ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, और अभी आपने बताया कि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में स्टेबल कौन ज़्यादा होता है, नॉन एरोमेटिक, तो ये क्या है, मोर स्टेबल, ये क्या है, लेस स्टेबल। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज़ दुनिया में स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा, मतलब ये इनोलाइजेशन भैया पॉसिबल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये नहीं होगा। फिर लोगों के दिमाग में आया, सर ठीक है आपने इसे तो बता दिया ये नहीं होगा, अब इसको तो बताइए ये क्यों हो रहा है, आपने बताया कि इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आपने बताया सैचुरेटेड होना चाहिए सैचुरेटेड नहीं है, फिर क्यों इनोलाइजेशन इसका हो रहा है,
हमने कहा ठीक है आइए वापस आइए, इसको देखते हैं क्यों हो रहा है। इसी के लिए ज़रूरत पड़ती है भैया, अच्छे एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लिए आपको अच्छी जानकारी ज़रूरी है, अच्छे एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छी जानकारी ज़रूरी है। आइए इस क्वेश्चन पे आइए, बी वाले ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं, इसका इनोलाइजेशन कैसे पॉसिबल है। अब जब जहाँ पे भैया हम लोगों का जुगाड़ फेल हो जाता, ट्रिक फेल हो जाता है, वहाँ पे हमारी मैकेनिज्म हमको हेल्प करती है। मतलब आप आइए मैकेनिज्म पे और बेस ओएच को लाइए और उस बेस से पूछिए बेटा तुम्हारा काम क्या हुआ करता था। क्या सर हमारा काम तो वही हुआ करता था, क्या एच निकालता था, अल्फा एच निकालता था, अल्फा एच यहाँ भी निकालेगा। फिर हमने कहा बेटा तुम अल्फा एच तो यहाँ हो नहीं, फिर उसने कहा सर यहाँ पे तो अल्फा एच है यहाँ से निकाल दीजिए। तो फिर लोगों के दिमाग में आया सर यहाँ से अल्फा एच निकाल दें, ये तो आपने बताया नहीं, ये तो अल्फा बीटा गामा हो गया। हमने कहा ठीक है देखते हैं ये जो कह रहा है इसका मान लेते हैं, फिर देखते हैं सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इसके हिसाब से हमने देखा, हमने वहाँ से एच निकाला और हम लोगों ने देखा कि जब यहाँ से एच निकालते थे, जहाँ से भी एच निकालते थे वहाँ पे कौन सा चार्ज आता था, निगेटिव चार्ज आता था। अब वो निगेटिव अगर आपको याद हो कि पहले स्टेप में ओ एच माइनस एच निकालता था अल्फा पोजिशन से और वाटर बना लेता था जैसा कि यहाँ भी बन गया, और उस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आता था जहाँ से बेस ओ एच माइनस प्रोटॉन यानी एच प्लस अब्स्ट्रैक्ट करता था। अगला स्टेप में क्या होता था, अगला स्टेप अगर आपको याद हो तो उस पाई बांड के उस निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होता था। बेटा यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा और ये रेजोनेंस इस पाई बांड के खोपड़िया पे चढ़ते हुए ऑक्सीजन तक पहुंच जाएगा। जरा देखिएगा किस तरह से, जरा देखिएगा यहाँ से निगेटिव चार्ज यहाँ पाई बांड बनाया, इस पाई बांड ने डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये पाई बांड शिफ्ट होकर यहाँ चला गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अरे कमाल हो गया, वहां पे भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंच जाता था, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंच गया। भैया ये तो इनोलाइजेशन हो गया, यानी अब एक बात हमें ध्यान रखना है, इनोलाइजेशन वहां वहां हो ही जाएगा जहां पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके ऑक्सीजन तक पहुंच जाएगा वहां पे इनोलाइजेशन हो जाएगा। अब यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, वाटर से रिलीज होके पहुंच जाएगा ओ माइनस के पास, ये क्या बनाएगा फिनॉल। मतलब ये तो कमाल हो गया, दो अदर अलग अलग रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट सेम। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी अब एक बात हमें और सीखने को मिला कि अल्फा हाइड्रोजन के साथ हम रटेंगे नहीं। अगर आप जे एस्पिरेंट हैं तो जे एस्पिरेंट को आपको ध्यान रखना है कि भैया ऐसे क्वेश्चन के साथ वो ट्विस्ट करके आपके सामने लाएंगे जिसके फंडामेंटल्स वीक हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, केवल अल्फा पोजीशन, केवल अल्फा हाइड्रोजन वो याद कर लेते हैं, उनके लिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उनके लिए क्वेश्चन गलत हो जाए, छोटे एग्जाम के लिए चल जाएगा, लेकिन आईआईटी एडवांस जैसे एग्जाम के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसको आराम समझ लीजिए। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है इसमें। कंपाउंड फर्स्ट आपको ये दिया गया है, कह रहा किसका टाटोमर है, पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन बोथ ए एंड सी। कह रहा है जो कंपाउंड फर्स्ट आपको दिया गया है ये किसका टाटोमर फॉर्म है, भैया यही फिनॉल है। ये फिनॉल जो है कौन कौन से कंपाउंड के टाटोमरिज्म से बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। सर लोगों को ये बहुत तेज पता होता है कि यार यहाँ से अल्फा एच है, यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से एच निकलेगा, कोई एक एच यहाँ पहुँचा देगा डबल बांड लगा तो ये तो बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम सिंगल करेक्ट आंसर पे फोकस कर रहा हूँ मैं इस समय, अदरवाइज अगर मैं मल्टीपल क्वेश्चन देता तो ये बात भी सही थी और ये बात भी सही है। अभी तो तुरंत बनाया कि इसके टाटोमेरिज्म से भी क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, इसके टाटोमेरिज्म से क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में।